Hello, my dear students. How are you all? I hope everyone is fine. All of you take out page number 80 of your maths textbook. मैथ्स टेक्स्ट बुक में हम आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 80 पर आ गए हैं. कल मैंने आपको वो कॉइन्स वाली गेम खेलने को कहा था कि आप खेल सकते हो और सीख सकते हो कि हेड्स एंड टेल्स क्या होता है. आई होप सबने रीड किया होगा और गेम भी खेली होगी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टू एट अ टाइम. तो यहां पर एक स्टोरी है, उसके थ्रू हमें सिखाया गया है कुछ. स्टोरी रीड करते हैं तो आपको समझ में आएगा टू एट अ टाइम क्यों कहा है. एक बारी में दो क्यों, ठीक है. चिंटू एंड मिंटू वेंट शॉपिंग. चिंटू मिंटू शॉपिंग करने गए. दे बॉट समथिंग, उन्होंने कुछ चीजें खरीदी. टू पे दे यूज्ड नोट्स एंड कॉइन्स बट ओनली टू एट अ टाइम. तो कुछ पे करने के लिए पैसे क्या बोलते हैं देने के लिए शॉपकीपर को उन्होंने नोट्स और कॉइन्स को यूज किया. आपको दिख रहा है यहां पर नोट्स और कॉइन्स बने हैं. 10 रुपए का नोट है, 50 रुपीज का नोट, 20 रुपीज का नोट, 1 रुपी नोट, 5 रुपी नोट एंड 2 रुपी, सॉरी 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन, कॉइन्स एंड नोट्स. तो उन्होंने इन चीजों का यूज किया. बट ओनली टू एट अ टाइम, एक बारी में सिर्फ दो ही चीजें यूज करनी है. वो कुछ भी हो सकता है कि कॉइन यूज करो और साथ में एक नोट यूज करो, या फिर दो नोट्स यूज करो, वो इन पर है, ठीक है. लेकिन एक बारी में किसी एक चीज का अगर आपको दाम देना है तो सिर्फ दो ही चीजें आप यूज कर सकते हो, नोट या कॉइन, या फिर नोट नोट, या फिर कॉइन कॉइन. ओनली टू थिंग्स, टू काइंड्स ऑफ मनी. ओके, आउट ऑफ दीज विच टू कैन दे यूज टू बाय द थिंग्स बिलो. तो यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं, हमें बताना है कि इन नोट्स में से वो कौन सी नोट्स को यूज करेंगे, कौन सी दो दो नोट्स को यूज करेंगे पे करने के लिए. ओके, दे कैन यूज द सेम नोट और कॉइन मोर देन वन टाइम. एक नोट या फिर कॉइन को हम ज्यादा बार या फिर हर आंसर में हम यूज कर सकते हैं. अगर एक नोट है 20 रुपीज, 10 रुपीज, अगर वो बार बार यूज करना पड़े तो हम यूज कर सकते हैं. ओके, से ज्यादा हम नोट्स या फिर कॉइन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ दो ही नोट्स या फिर दो ही कॉइन्स या फिर कॉइन या फिर नोट, मतलब दो ही चीजें यूज कर सकते हैं. चलिए करते हैं. यहाँ पर अलग अलग चीजें दी हैं, जैसे कि बैट, बुक, बॉल, जैसे फुटबॉल, अ डॉल एंड अ टॉप, ठीक है. तो ये सब चीजें दी हैं जिस पर अलग अलग प्राइजेस के टैग लगे हुए हैं. तो अगर ये चिंटू मिंटू को ये चीजें लेनी है तो उन्हें क्या क्या देना पड़ेगा. लाइक यहां पर एग्जांपल दिया गया है, यहां पर ये चीज 20 रुपीज की है, तो हमें दो नोट्स या फिर कोई भी चीज है जो दो यूज करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 10-10 रुपीज के दो नोट्स दे देंगे. हो गया, दो चीजें यूज हो गई और हमने पे भी कर दिया. नेक्स्ट इज बुक. बुक 10 रुपीज की है, तो हम 5-5 रुपीज के दो कॉइन्स देंगे तो 10 रुपीज हो गई. 5-5 रुपीज के दो कॉइन्स दिए तो हमारे 10 रुपीज हो गए, मतलब कि हमने 10 रुपीज पे कर दिए. नेक्स्ट इज फुटबॉल. फुटबॉल 40 रुपीज की है, 40 रुपीज की फुटबॉल है, तो क्या करेंगे, 10 का नोट देंगे, एक और 10 का नोट देंगे और फिर 20 का नोट देंगे. 10 + 10 = 20, 20 + 20 = 40, हो गए 40 रुपीज पूरे. नेक्स्ट इज 60 रुपीज का एक टॉप है, गर्ल का एक टॉप है, ठीक है, वो कितने रुपीज का है, 60 रुपीज का. और यहां पर 50 रुपीज का भी नोट है, तो 50 रुपीज का नोट देंगे और साथ में 10 रुपए का नोट देंगे तो हो गए 60 रुपीज. गॉट इट, हो गए ना 60 रुपीज. 50 + 10 = 60 रुपीज, और हमने दो नोट्स दिए, 50 का नोट दिया और एक 10 का नोट दिया. ओके, नेक्स्ट इज ₹25. ये डॉल 25 रुपीज की है, तो 20 रुपीज का नोट देंगे और साथ में 5 रुपए का एक कॉइन दे देंगे. दो चीजें दे दी हमने, 20 रुपीज का नोट और 5 रुपीज का कॉइन, हो गए 25 रुपीज. ओके, सो दैट्स ऑल, यही है ये पूरी एक्सरसाइज. नाउ मूव टू पेज नंबर 81. देखते हैं कि इसमें क्या करना है. हाउ फास्ट कैन यू ऐड, आप कितनी जल्दी ऐड कर सकते हो, प्लस कितनी जल्दी कर सकते हो. चलिए देखते हैं क्या है. वेलू, व्हाट आर यू डूइंग,
ये शायद इसका नाम, लड़के का नाम है वेलू। उसने बोर्ड पर लिखा है 7 + 5 + 3 = ? क्या 7 + 5 = 12 होता है, 12 + 3 कितना होगा 15, सो द आंसर इज 15। बट यहां पर इसने क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। अक्का प्लीज हेल्प मी एट, ओके तो ये बॉय मे बी ये उसकी सिस्टर है, तो उसको बोल रहा है कि अक्का हेल्प मी, मुझे मदद करो इसे प्लस करने में, ठीक है। ओ यू कैन एड दीज विदाउट राइटिंग, ओके तो अक्का उसकी इसकी बहन बोल रही है कि तुम इसे बिना लिखे भी प्लस कर सकते हो, एड कर सकते हो। फिर स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड काउंट 5 मोर टू 12, ओके तो 7 से स्टार्ट करेंगे और 7 में कितना प्लस करना है 5 प्लस करना है, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 7 के बाद क्या आएगा 8 9 10 11 12, हो गए 12। फिर 12 में कितना ऐड करना है 3, 12 के बाद 13 14 15, ओ वाओ सो द आंसर इज 15। यहां पर लिखा गया है स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड काउंट 5 मोर टू मेक 12, देन ऐड 3 मोर यू गेट 15, 7 + 5 = 12 + 3 = 15। आई कैन ऑल्सो एड 7 एंड 3 फर्स्ट टू गेट 10 एंड देन ऐड 5। अच्छा तो फिर ये जो वैल्यू है ये और दिमाग लगाता है, वो क्या सोचता है कि अगर मैं 7 + 3 कर दूं पहले तो 10 आ जाएगा, 7 में 3 प्लस करूं तो 7 के बाद 3, 8 9 10 तो आ गया 10, 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये तो सबको पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ऐसे ही आपको ये सारे सम्स करने हैं अपनी नोटबुक में, दिस इज यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, होमवर्क इन नोटबुक, ओके ये आपको सॉल्व करके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। 5 + 5 + 7 यहां पर आंसर्स लिखे हुए हैं, बट आप ट्राई करना कि बिना देखे आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।